गोपालगंज में तो गजब हो गया, शराब का बड़ा तस्कर निकला, सेना का जवान हरियाणा से मधुबनी के लिए कर रहा था शराब की तस्करी, ऐसे चढ़ गया पुलिस के हत्थे। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब तस्करी करते रहते हैं। अब सेना का जवान भी विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार शराब तस्कर सेना के जवान के पास से 44 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग की बलथरी टीम के द्वारा कुचायकूट के बलथरी चेकपोस्ट पर किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि आम दिनों की तरह यूपी से बिहार की सीमा में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी तलाशी के दौरान आर्मी लिखे हुए टाटा इंडिका कार रोका गया। उसके बाद उसमें एक आर्मी का सिपाही केशव कुमार चौधरी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मधुबनी घर है और वापस लौट रहे हैं। जब शक के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार में रखे सभी बैग को बारी बारी से तलाशी ली तो सभी कार के बैग में शराब निकलने लगी। ऐसे में 44 कार्टन शराब बरामद हुई है, जिसमें कुल 803 बोतल विदेशी शराब गिनती की गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराब को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शराब तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं और अलग अलग तरीकों से शराब तस्करी कर रहे हैं। कभी टेप में बांधकर तो कभी स्टेबलाइजर में रखकर तो कभी अलग अलग तरीकों से शराब की तस्करी लगातार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार उन्हें गिरफ्तार कर रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक इस शराब तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुनिए क्या कुछ उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार बता रहे हैं। थरी चेक पोस्ट पर वाहन की जांच की जा रही थी तो उसी के दौरान एक कार को रोका गया तो उसमें बहुत सारा झोला रखा हुआ था। तो सेना का एक सिपाही है संभवतः, तो वही जा रहा था अपने घर मधुबनी। तो जब गाड़ी का तलाशी ली गई तो उसमें झोला में रखा हुआ बहुत सारा शराब, हरियाणा निर्मित विदेशी शराब है, को जब्त किया गया है। जवान को भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, कार को भी जब्त किए हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जा रहा था शराब, हरियाणा निर्मित था। तो आपने देखा कि कैसे कैसे शराब की तस्करी अब बिहार में होने लगी है। हाल में ही आपने देखा होगा कि स्वास्थ्यकर्मी का फीता लटकाकर एक युवक शराब तस्करी कर रहा था, अब आर्मी का जवान भी शराब तस्कर निकला है। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक लगातार इस शराब तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और इन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। शराब तस्करी को रोकने के लिए हर पहल उचित कदम उठाया जा रहा है। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।